बज गए हैं 7:03 और लगभग 14 घंटे की ड्राइव थी, 5 घंटे हम चल चुके हैं, 700 किलोमीटर कर चुके हैं, 697 किलोमीटर बचे हैं। बड़े चलो आज का सारा दिन ड्राइविंग में ही कटने वाला है, आज कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बट इसको एक सीनिक ड्राइव हम कह सकते हैं क्योंकि सीनरीज काफ़ी चेंज होती जा रही हैं। पहले थोड़ी नदियां भी आई, अंगूर के बाग भी आए, पिस्ते के बाग भी आए, कटी हुई गेहूँ उसके खेत भी आए, अच्छा दलदली ज़मीन दाएँ बाएँ सूखे पेड़ वो भी आए, और मतलब दो डंगर टाइप तो आते ही रहते हैं। आज तो बस ड्राइविंग है सारी 14-15 घंटे की, सारा दिन आज 11वां दिन हॉलीडे का ड्राइविंग के नाम। वैसे ड्राइविंग तो हर ही दिन कर रहे हैं बट आज का दिन सिर्फ ड्राइविंग, आज कोई डेस्टिनेशन नहीं है ऐसा स्पेशल। तो आज तो बस आप लोग सीनरी इंजॉय कीजिए और मेरे साथ गाने सुनिए। बादल और आसमान का नजारा काफी शानदार है, नीला आसमान और ये बादल अलग अलग तरह की आकृतियां, कभी इन बादलों में कुछ दिखाई देता है कभी कुछ दिखाई देता है, जो मन सोचे वही बादलों में दिखाई देने लग जाता है। चलो अभी पूरे 7 घंटे हैं यहाँ से सिडनी जहाँ जा रहे हैं पैरामेटा, यहाँ से पैर है ना
गोडो के नीचे ही है वो गोडो के नीचे तक ही होते हैं कोई तक ही सीमित रहना ड्रग्स बहुत निकल रहे हैं इस रूट से ये इतने ट्रक्स मतलब जब से हम निकले ट्रक्स ही ट्रक्स जाए जा रहे नॉर्मल गाड़ियां कम है ट्रक्स ज्यादा है जी रेस्टिंग एरिया जिसकी मैं बात कर रहा था तो ये जगह जगह बना रखे हैं तो यहाँ पे पानी की भी सुविधा है आप पानी भी पी सकते हैं मतलब एक जुगाड़ कर रखा है पानी का टंकी लगा के नॉर्मली टॉयलेट्स की भी सुविधा होती है लोग टॉयलेट्स भी कर सकते हैं यहाँ पे नहीं थी नॉर्मली होती है बैठने की जगह टॉयलेट्स और पानी ये तीन चीज रेस्टिंग एरिया में प्रोवाइड कराते हैं ताकि लंबे रूट वाले अपना क्या नाम है रेस्ट कर सके तो चलिए फिर सामने कारवां को आगे बढ़ा